हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। यह प्रश्न जो है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, राउल्ट का नियम गणितीय व्याख्या कीजिए। राउल्ट के नियम की आपको गणितीय व्याख्या, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रियाविधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, संभव प्रश्न किसे कहते हैं, गुण लिखिए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रासरण दाब मापने की वर्कले एवं हार्टले विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा इस विधि के लाभ बताइए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या फिर आपको अर्धायुकाल का व्यंजक भी अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए, और आपको SN1 और SN2 में अंतर भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 है, मेंडल के नियम को समझाइए, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है 4 अंक में, कि लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या होंगे, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 है, DDT बनाने की विधि, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रेट विभाव का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, हेनरी का नियम तथा अनुप्रयोग लिखिए, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसी तरह जो है आपको और अन्य सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14 है, एकल इलेक्ट्रोड विभाव के लिए नरनष्ट समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी विलाक के तत्व व एफ विलाक के तत्व में अंतर लिखिए, 4 अंक में पूछा जाता है इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 है, अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर, इसको भी आपको तैयार करना है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17, IUPAC नामकरण और उपसंयोजी यौगिक, इसमें आपके IUPAC नामकरण जितने भी हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है, और उपसंयोजी यौगिक इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18, विक्टर मेयर परीक्षण, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है लुकास परीक्षण प्रश्न क्रमांक 19, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 2 अंक और 3 अंक में पूछा जाता है, कि मोलरता तथा मोललता में अंतर लिखिए, और इनकी आपको परिभाषा भी ध्यान रखना है कि मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे कहते हैं और फॉर्मलता किसे कहते हैं। चारों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, बांटाप घटक I को निर्धारित करने वाला सूत्र क्या होता है, इसको आपको बताना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22 है, फिनाल और एल्कोहल में अंतर लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है, रिमर्टीमैन अभिक्रिया
और कोलवे अभिक्रिया, इन दोनों अभिक्रियाओं को आपको अच्छे से तैयार करना है, रीमर टीमेन अभिक्रिया और कोलवे अभिक्रिया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, अच्छे से तैयार करना है, यह 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 है, संक्षारण किसे कहते हैं, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 25 है, कोलराज का नियम क्या है, इसके दो अनुप्रयोग दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 है, अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण व भी हाइड्रोजनीकरण को समीकरण सहित समझाइए, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसमें दिए गए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। यह जो है आपकी पूरी बुक का निचोड़ है, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का निम्न अभिक्रियाओं या क्रियाओं के समीकरण लिखिए, तो क्लोरोबेंजीन का निम्न क्रियाओं के समीकरण आपको लिखना है, इस प्रकार से दी गई हैं। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, जैसे हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और एल्कीकरण। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30 है, टिप्पणी लिखिए, जैसे हुंसडीकर अभिक्रिया और रेसिंग प्रक्रम, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 31 है, छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 32 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं होता है, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 33 है, जाइस लवण एवं फेरोसिन क्या है, संरचना सहित समझाइए, इसको भी तैयार करना है आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 34 है, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर, अच्छे से आपको तैयार करना है, 2 अंक या 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 35 है, कीलेट किसे कहते हैं, उदाहरण व महत्व लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 36 है, लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न क्रमांक 37 है, क्लोरोफॉर्म की निम्नलिखित क्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 38 है, एथिल एल्कोहल और फिनाल दोनों में OH समूह उपस्थित है, क्या कारण है कि फिनाल अम्लीय तथा एल्कोहल क्षारीय प्रभाव का होता है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39 है, परिशुद्ध एल्कोहल क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40 है, संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है क्यों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 41 है, जिंक कैडमियम और HG अर्थात पारा संक्रमण तत्व का गुण व्यक्त नहीं करते हैं क्यों, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 42 है, टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद इन अभिक्रियाओं को आपको अच्छे से तैयार करना है, परकिन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, स्टीफन अभिक्रिया, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है इन अभिक्रियाओं को आपको तैयार करना है, एसिटिलीकरण अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर एल्डोल संघनन अभिक्रिया, इसके बाद बी ऑक्सीलीकरण, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 45 बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 46 है, विद्युत अपघट्य पदार्थ की विद्युतीय चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 47 है, प्रोटीन किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 48, प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 49, Cu1+ रंगहीन है परंतु Cu2+ रंगीन होता है क्यों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 50 है, अंतरकाशीय यौगिक क्या है, संक्रमण धातुओं के ऐसे यौगिक क्यों ज्ञात हैं।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 51 है, इस प्रकार से TiO2 श्वेत है जबकि TiCl3 बैंगनी है, क्यों? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 52 है, रेशेदार प्रोटीन व गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर लिखिए, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 53, एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन में अंतर लिखे, इसको भी आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 54 है, DNA व RNA में अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 55 है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, वर्गीकरण तथा कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 56 है, न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 57, एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि का वर्णन कीजिए, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 58 है, टोलेन अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 59 है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से क्या होता है, दोगुना होता है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 60 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पर जो है T1/2 की गणना कीजिए, अर्थात आपको अर्ध आयुकाल की गणना करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 61 है, संकुल आयन क्या हैं, इसको भी आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 62 है, उपसंयोजी यौगिकों की प्रकाशिक समावयवता को समझाइए, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 63 है, ज्यामितीय समावयवता समझाइए, इसको भी आपको तैयार करना है, दो अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 64 है, विद्युत रासायनिक सेल व विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 65 है, स्तरक्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 66 है, एमिनो अम्ल व प्रोटीन में अंतर लिखिए, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 67 है, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 68 है, चार प्रोटीन का नाम तथा कार्य लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 59 है, ज्वेटर आयन किसे कहते हैं, इसको भी तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 70 है, वर्णन का उपसंयोजकता सिद्धांत, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 71 है, उपसंयोजी यौगिक के बंधन समावयवता व आयनीकरण समावयवता को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 72 है, ग्लाइकोसाइड बंध से आप क्या समझते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 73, एमिनो अम्ल क्या है, प्रमुख कार्य लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 74, DNA अंगुलीछापन क्या है, इसका महत्व क्या है, तो इस प्रकार से 74 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।